हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। टुडे दिसंबर 16, 2020, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, एक्सरसाइज वर्क, पेज नंबर 60 एंड 61। कंप्रिहेंशन एक्सरसाइज ए, फिल इन द बुक। वर्ड स्किल एक्सरसाइज बी, फिल इन द बुक। प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स एक्सरसाइज ए, फिल इन द बुक। सो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज वर्क। एक्सरसाइज कंप्रेन में एक्सरसाइज बी एंड सी, राइट द क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। एंड वर्ड स्किल एक्सरसाइज ए, राइट इन योर फेयर नोटबुक। सो लेट स्टार्ट एक्सरसाइज ए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट लेटर वाज रिटन बाई दीपाली टू अम्मा। ये एक्सरसाइज किसकी है? जो लेटर्स हैं रागिनी अपनी माता जी को लिखते हैं, उसकी माता जी उसको वापस लिखते हैं उनके बारे में। ओके, तो द फर्स्ट लेटर वॉज रिटन बाई दीपाली टू अम्मा। दीपाली ने अम्मा को लिखा? नो, किसने लिखा था? रागिनी ने। तो रागिनी टू अम्मा, सो फॉल्स। रागिनी मेड ए पेपर कॉलेज फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट, ट्रू। साइंस प्रोजेक्ट के लिए उसने क्या बनाया था? पेपर कॉलेज बनाया था। ओके, द सेकेंड लेटर वॉज रिटन बाई अम्मा टू रागिनी। सेकेंड लेटर किसने लिखा? अम्मा ने रागिनी को, ट्रू। फर्स्ट रागिनी ने अम्मा को लिखा था, सेकेंड अम्मा ने रागिनी को। रागिनी गोट बी ग्रेड इन हर साइंस प्रोजेक्ट, फॉल्स। सी गोट ए ग्रेड। ओके, रागिनी कॉल्ड दीपाली दैट सी वॉज एज क्लम्सी एज एन एलिफेंट, फॉल्स। नहीं कहा उसने कि हाथी के जैसा बेढंगा, फॉल्स। हु सेड टू हुम थ्रो लेटर्स, वी हैव ए न्यू टीचर फॉर पोएट्री। हमें एक नया अध्यापक मिला पोएट्री के लिए, किसने कहा? रागिनी टू हर अम्मा, रागिनी ने अपनी अम्मा को। दीपाली इज ए स्वीट एंड सेंसिबल गर्ल, अम्मा टू रागिनी। अम्मा ने कहा रागिनी को, यू हैव बीन सो हरीड, रागिनी ने कहा टू दीपाली, दीपाली को। ओके, वर्ड स्किल देखिए। यू हैव ए रीड ए लाइन ऑफ कंपेरिजन इन दीज लेसन एज क्लम्सी एज एन एलिफेंट, नाउ यू मेक एंड राइट थ्री सेंटेंस फॉर कंपेरिजन फ्रॉम दीज थ्री कॉलम्स। नेहाज स्किन वाज जॉय वॉक्स, मनोज चीक्स वर। ओके, तो देखिए मैच करते हैं। नेहाज स्किन वाज एज ब्लैक एज इवोनी, ये राइट करना है। जॉय वॉक्स एज स्लो एज ए स्नेल, मनु चीक्स वर एज रेड एज ए रोज। ओके, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द चैप्टर, एक्सलेंट, वंडरफुल, वाइज, सेंसिबल, डिस्ट्रेस्ड, अपसेट, अफुल, हॉरिड, अक्वार्ड, क्लम्सी, स्टाइलिश, एलिगेंट। ओके, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स, रीड द फॉलोइंग स्टोरी अलाउड। लास्ट ईयर, देखिए इनको चेंज करके लिखना है, लास्ट ईयर तो वाई ई ए आर ईयर, रोहन सेंट एस ई एन टी हिज सन एस ओ एन इन टू इंग्लैंड, ही वेंट देयर, यहाँ आएगा टी एच ई आर ई। ओके, एफ ओ आर जो है एफ ओ आर, स्टडीज दिस वीक, यहाँ आएगा डब्ल्यू डबल ई के, ही इज़ कमिंग बैक, वी विल मीट एम डबल ई टी हिम एट हिज होम। तो आपको क्या करना है? नाउ री राइट इज इट करेक्टिंग द स्पेलिंग ऑफ द कलर्ड वर्ड, जो कलर्ड वर्ड है इनकी स्पेलिंग को राइट करके फिर से यहाँ लिखना है। ओके, दोबारा से राइट करना है इनको स्पेलिंग को सही करने के बाद। तो ईयर में आ जाएगा वाई वाई ई ए आर एस ई एन टी एस ओ एन टी एच ई आर ई एफ ओ आर डब्ल्यू डबल ई के एम डबल ई टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वट आर द वेरियस इंसिडेंट दैट मेड रागिनी डिसलाइक हर फ्रेंड दीपाली। कुछ इंसिडेंट्स थे जिनकी वजह से रागिनी दीपाली को डिसलाइक कर रही थी, कौन कौन से थे? तो देखिए आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए व्हेन देयर क्लास वेंट फॉर ए पिकनिक दीपाली डिडंट सीट विद रागिनी सी सेट समवेयर एल्स। मतलब जब उनकी क्लास पिकनिक के लिए गई तो दीपाली जो थी रागिनी के पास नहीं बैठी, सी सेट समवेयर एल्स, वह कहीं और बैठ गई। सेकेंड इसी का, व्हेन दे प्ले खो खो, जब वे खो खो खेले दीपाली डिडंट चूज, दीपाली ने नहीं चुना रागिनी, रागिनी को फॉर आटी अपनी टीम के लिए, इस वजह से वो नाराज़ हो गई। और थर्ड पॉइंट, इन द ज्योमेट्री पीरियड व्हेन दीपाली ब्रोक द पॉइंट ऑफ हर पेंसिल सी डिड नॉट टेक रागिनीज पेंसिल, उसने रागिनी की पेंसिल नहीं लिया अपनी पेंसिल टूटने के बाद, सी टुक वन फ्रॉम रेशमा, उसने किससे ली? रेशमा से, इन वजह से रागिनी उससे नाराज़ हो गई। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वाट डिड रागिनी मेक पेपर कॉलेज ऑफ। तो देखिए रागिनी मतलब क्या बनाया,
पेपर कॉलेज में जो चित्रकला थी, रागिनी मेड ए पेपर कॉलेज ऑफ इंसेक्ट्स ऑन साइंस प्रोजेक्ट, PROJECT, रागिनी मेड ए पेपर कॉलेज ऑफ इंसेक्ट्स ऑन साइंस प्रोजेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड अम्मा डू विद द कॉलेज दैट रागिनी सेंट हर एज ए गिफ्ट, रागिनी ने जो उन्हें गिफ्ट के रूप में जो कॉलेज भेजते अम्मा ने उनका क्या किया। शी पुट द कॉलेज ऑन द टेबल इन हर ऑफिस, उसने ये अपने ऑफिस की टेबल पर रखे, एंड शो इट टू एवरीवन, और प्रत्येक को इन्हें इसे दिखाया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डिड अम्मा गिव रागिनी रिगार्डिंग हर फ्रेंड दीपाली, दीपाली के प्रति उसकी माँ ने क्या सलाह दी रागिनी को। अम्मा गेव एडवाइस टू रागिनी, डोंट सल्क, नाराज मत हो, आस्क हर एंड सी, उसे पूछो और देखो, इट विल डू नो हार्म, इसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, गो टू हर, उसके पास जाओ, स्माइल, मुस्कुराओ, एंड आस्क करो, उससे पूछो, मतलब क्या बारे में कि वो नाराज क्यों है। ओके, व्हाट मेड रागिनी एंड दीपाली फ्रेंड्स अगेन, रागिनी और दीपाली दोबारा से दोस्त कैसे बने। आंसर 5, व्हेन रागिनी टोल्ड दीपाली, जब उसने दीपाली को बताया दैट कि शी हैड मिसहर्ड, उसने गलत सुना है, MISHEARD, आई डिड नॉट से दैट यू आर क्लमसी एज एन एलिफेंट, मैंने नहीं कहा कि तुम एक हाथी की तरह बेढंगी हो, आई सैड, मैंने कहा दीपाली वाज क्लासी एंड एलिजेंट, मैंने कहा था कि वह बहुत ही उत्कृष्ट और रुचिपूर्ण है, मतलब इस काम को बहुत अच्छे से कर रही है। स्टूडेंट राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।